एबीपीएस न्यूज सच का साथी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अमरोहा जिले की है, जहां पर एक व्यक्ति की जमकर धुनाई की जा रही है। आखिर इस शख्स को ये भीड़ क्यों मार रही है? आपके जहन में भी ये सवाल उठ रहा होगा, लेकिन इस आदमी को क्यों बेपनाह मारा जा रहा है और किस वजह से ये आदमी भीड़ की गिरफ्त में आया और इसके बाद इसे पुलिस ले जाती है, जानने के लिए पूरी खबर को देखिए। आज लगभग कोई 1 बजे के बाद मैं पंप का कैश लेकर जैसे ही अमरोहा बैंक के लिए निकला जमा करने के लिए, रोज ही जाता था, तो जैसे ही अतरासी रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर जैसे ही मैं पहुंचा तो एक बाइक पर 3 बंदे पीछे से आए और मेरे साथ बैग छीनने की कोशिश करने लगे और मारपीट भी हुई और वो बैग लेकर भाग गए, पर उनकी बाइक वहीं पर गिर गई, मेरी भी और उनकी। वो भाग गए कुछ दूरी पर जाकर, पब्लिक की मदद से पुलिस की मदद से वो पकड़े गए और हमारा पैसा वैसे सब मिल गया और एक पकड़ा गया, दो जो बंदे थे वो भाग। अच्छा, मैंने शोर मचाया था, तभी एक पीछे से एक बाइक हो रहा है, उसकी मदद से मैं उसके पीछे बाइक से गया और तभी वो पब्लिक देख लिए थे वो भागते हुए, तो जो एक बंदा था वो झाड़ियों में छिपा हुआ था वो पकड़ा गया। कितने रुपए के लूट के भागे थे? 2,98,000 रुपए थे। पुलिस जस्ट जैसे ही हम उसे पकड़ रहे जमीन तुरंत पहुंच गई थी, लगभग 2-4 मिनट के बाद। उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर कोतवाली इलाके के अतरासी मार्ग पर स्थित रेलवे ओवरब्रिज के नजदीक पेट्रोल पंप मैनेजर से लाखों रुपए की लूट करके भाग रहे 3 बदमाशों में से एक बदमाश को पेट्रोल पंप के मैनेजर ने भीड़ की मदद से पुल के नीचे दबोच लिया, जो झाड़ियों के पास से पकड़ा गया, जिसके कब्जे से लूटी हुई रकम भी बरामद हो गई। रकम बरामद करने के बाद पब्लिक ने पकड़े गए बदमाश की जमकर पिटाई की और उसकी खातिरदारी करने के बाद पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद पुलिस अब बदमाश से पूछताछ करने में जुटी है। मामला अमरोहा जिले के सदर कोतवाली इलाके के अतरासी अमरोहा मार्ग स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास का है, जहां पेट्रोल पंप के मैनेजर अर्जुन कुमार से बाइक सवार 3 बदमाशों ने 3,00,000 रुपए कैश लूट लिया। बदमाश मौके से भागने में कामयाब हो गए। एक बदमाश पुल के पास स्थित प्लॉट में उगी झाड़ियों में छिप गया, जिसे मैनेजर ने भीड़ की मदद से पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई की। पिटाई के बाद में भीड़ ने आरोपी बदमाश के कब्जे से रुपयों से भरा हुआ थैला बरामद करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब पुलिस उससे आपराधिक इतिहास में फरार बदमाशों के बारे में जानकारियां हासिल करने में जुटी है। जी, थाना अमरोहा नगर में आज दोपहर में एक पेट्रोल पंप के मैनेजर के साथ लूट की गई थी, जिसमें कि मौके से ही पब्लिक और पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। लगभग 3,00,000 रुपए लूटे गए थे, जो पूरे रकम बरामद हुई है गिरफ्तार युवक से। पूछताछ में कुछ उसके सहयोगियों का नाम सामने आया है और इन्हीं के जो पेट्रोल पंप मालिक हैं उनके ही एक रिश्तेदार का नाम सामने आया है, जिसने कि मुखबिरी करके ये घटना करवाई थी। पुलिस टीम अभी इस प्रकरण में लगी हुई है, अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक अभियुक्त व लूटी गई रकम बरामद की है, कुछ अन्य अभियुक्त शीघ्र ही गिरफ्तार हो जाएंगे, इसे हमें उम्मीद है। एबीपीएस न्यूज सच का साथी।